हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश जरूर करना मेरे प्रियो। इसे मत्ती 12 का 36 वचन में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो मनुष्य अपने मुंह से निकम्मी बातें कहेंगे, गंदी बातें कहेंगे, वे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों ही के कारण दोषी और अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का वचन एक जैसा है, सभी के लिए है, चाहे वह मसीह पे विश्वास करता हो या अन्य जाति हो। जैसा यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। जो परमेश्वर ने वचन में कहा है, जो परमेश्वर ने कहा है वह होके ही रहेगा। फैसला बाप के हाथ में, बताना मेरा काम है। जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, और जो मनुष्य अपने मुंह से गंदी बातें निकालते हैं, टेढ़ी बातें निकालते हैं, एक दूसरे के लिए चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, वह सब परमेश्वर के सामने अपना अपना लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातें कर दोषी, अपनी बातों ही के कारण निर्दोषी ठहराया जाएगा। भैया, आपकी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। अपने जीभ को नियंत्रण में रखिए, वश में रखिए, गलत बात की ओर मत ले जाइए, फेरिए। मेरे प्रियो, न्यायी परमेश्वर दयावंत भी है और न्यायी भी परमेश्वर है। परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप खुद पाप करके उस नर्क में जाना चाहते हो तो परमेश्वर उसमें क्या करे मेरे प्रियो। शैतान का न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, ऑलरेडी आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो तो उस नर्क में जाएगा बाबा, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। उसकी आवाज़ क्यों सुनते हो भाई? परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, मगर इस बात को भी याद रखना कि न्यायी परमेश्वर दयावंत भी है और न्यायी भी परमेश्वर है। आपका न्याय करेगा परमेश्वर। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रिय, न्याय करेगा, क्योंकि जो आप पाप कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उसको परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है, अपनी पुस्तक में लिख रहा है। जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब उसको वही लिस्ट परमेश्वर खोल के दिखाएगा मेरे प्रियो। तब वहाँ कोई क्षमा नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको नर्क में डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा धोलोक में चली जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी आत्मा धोलोक से निकाल कर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर उसका न्याय किया जाएगा जिस शरीर से आपने व्यभिचार और गलत काम किया है। फिर परमेश्वर को वही शरीर पहना के परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए उसको नर्क में फेंक देगा। और भैया, एक बार उस नर्क में चले गए तो वहाँ आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे। जब आग नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का? जो व्यक्ति नर्क में जाएगा, सुधर जाओ और लौट आओ परमेश्वर के पास, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। गुनाहों को, पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को दिया गया है, किसी मनुष्य को नहीं दिया गया है। कि वह पवित्र परमेश्वर है, दयावंत है, महापवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम किए हुए रातों दिन ये कहते हैं, पवित्र 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 जो था और जो आने वाला है, पवित्र है, पवित्र, अति पवित्र है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का नाम बहुत ही पवित्र है। जहाँ पर यीशु रहता है वह जगह पवित्र है, और वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे। तुमने जो पाप किया है, टीलों में किया है, अंधियारों में किया है, रूम में किया है, चाहे जहाँ छुपके पाप किया है, परमेश्वर ने देखा है। अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानो, पश्चाताप करो और छोड़ दो। यीशु ने कहा, यदि जो मनुष्य अपने अपराध छिपा रहता है उसका कार्य सफल नहीं होता है मेरे प्रियो, उसे अपने गुनाहों को, अपने पापों को